हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए सेकंड सेमेस्टर से विलियम शेक्सपियर और उनकी सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो चलते हैं आज के वीडियो पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के अनुसार व्हाट काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, किस प्रकार का प्रेम प्रेम नहीं होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों में ही दिए गए जो वर्डिंग है वो तीनों प्रकार के लव नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज एड्रेस्ड टू, ये जो सोनेट है जिसका नाम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, ये किसको संबोधित की गई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डार्क लेडी। दोस्तों, ये जो डार्क लेडी थी विलियम शेक्सपियर की वी लविड थी और इसका जो पूरा नाम था वो मैरी फिटन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज दैट, ट्रू लव की जो मेन क्वालिटी होती है वो क्या होती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज ऑलवेज स्टेडी एंड फर्म, यानी जो ट्रू लव होता है वो स्टेडी स्थिर होता है एंड फर्म और मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए 14 लाइन राइम्ड पोयम इज कॉल्ड, 14 लाइन की जो पोयम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्ड इन टाइम्स फूल, ये जो वर्ड है टाइम्स फूल, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परसोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्ड इन रोजी लिप्स, रोजी लिप्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, व्हाट इज इट विच इज रिफर्ड टू बाई दैट इन द कोटेड लाइन, दी गई लाइन में इस दैट का क्या मतलब है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, शेक्सपियर कब पैदा हुए थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1564, यानी 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न इज कॉल्ड, जिस स्थान पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं स्ट्रेट फोर्ड ऑन एवन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद विच थिएटर शेक्सपियर वॉज नॉट एसोसिएटेड, नीचे दिए गए थिएटर्स में से ऐसा कौन सा थिएटर है जिससे शेक्सपियर नहीं जुड़े हुए थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द रोज, यानी विलियम शेक्सपियर द थिएटर से जुड़े थे, द ग्लोब से जुड़े थे, द कर्टेन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर मैरिड, शेक्सपियर की शादी किसके साथ हुई थी। तो विलियम शेक्सपियर की शादी एनी हैथवे के साथ हुई थी, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर्स वाइफ वॉज सीनियर टू हिम, शेक्सपियर की वाइफ शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी। तो शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सोनेट्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर एक्सीड द नंबर, यानी विलियम शेक्सपियर ने ओवरऑल कितनी सोनेट्स लिखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 154। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोनेट इज अ पोयम कंप्राइजिंग ऑफ लाइंस, सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं।
तो सोनेट में आपको पता है 14 लाइन्स होती हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स सोनेट आर एड्रेस्ड टू, शेक्सपियर की जो सोनेट हैं उनको किसको संबोधित किया गया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इधर द डार्क लेडी और WH। ये जो WH हैं विलियम शेक्सपियर के एक फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर डाइड इन द ईयर, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई, तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ड्रामा इज नॉट रिटन बाई शेक्सपियर, नीचे गए ड्रामा में ऐसा कौन सा ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो एडवर्ड सेकंड ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, एडवर्ड सेकंड को विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स वॉज रिटन बाई, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसके द्वारा लिखी गई, तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा गया। विच ऑफ द ड्रामा इज रिटन बाई शेक्सपियर, नीचे गए दिए ड्रामा में से ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द टेमिंग ऑफ शेरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम फोर ट्रेजिडीज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की चार ट्रेजिडीज के नाम बताने हैं, तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, यानी विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी का सीरियल है वो है हुकम, HOKM, यानी H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम फोर कॉमेडीज रिटन बाई शेक्सपियर, दोस्तों ये क्वेश्चन भी गलत छपा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के अनुसार व्हाट काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, किस प्रकार का प्रेम प्रेम नहीं होता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से किसी भी प्रकार का प्रेम प्रेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एड्रेस्ड टू, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पता है, डार्क लेडी। तो दोस्तों ये थे आपके बीए सेकंड सेमेस्टर से विलियम शेक्सपियर और उनकी सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।